Hello everyone, today we will discuss about conventional x-ray cassette. So let's get started. What is the definition of conventional x-ray cassette? So this is the conventional x-ray cassette Yeh, kya hai? conventional x-ray cassette hai. it is a light-proof rigid holder. विच कंटिन्यूज टू इंटेंसीफाइंग स्क्रीन इन बिटवीन टू इंटेंसीफाइंग स्क्रीन द फिल्म इज प्ले सो दिस इज द कन्वेंशनल एक्सरे कैसेट ये कन्वेंशनल एक्सरे कैसेट है और ये क्या है एक लाइट प्रूफ रिजिट होल्डर है जिसमें क्या है टू इंटेंसिफाइंग स्क्रीन माउंटेड होती है मैं ऐप को ओपन करके दिखाती हूं सो so, ये दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ये फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और ये बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और इन दोनों के बिटवीन में फिल्म क्या होती है माउंटेड होती है तो ये वाली क्या है ये फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और ये वाली जो है ये बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और इन बिटवीन टू इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इन दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बिटवीन में क्या होता है फिल्म प्लेस्ड होती है सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सरे कैसेट इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ एक्सरे कैसेट कैसेट जो होता है वो एक्सरे फिल्म को होल्ड करता है और डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है और कैसेट एक्सरे फिल्म को डर्ट से डस्ट से प्रोटेक्ट करता है कैसेट एक्सरे फिल्म को लाइट एक्सपोज़र से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि जो एक्सरे फिल्म होती है वो लाइट के सेंसिटिव होती है इसलिए कैसेट जो होता है वो एक्सरे फिल्म को लाइट एक्सपोज़र से प्रोटेक्ट करके रखता है लाइट को एक्सक्लूड करता है फिल्म पर और एक्सरे एक्सपोज़र के टाइम पर एक्सरे फिल्म को बेंडिंग और स्क्रैचिंग से प्रोटेक्ट करता है नेक्स्ट है कि कैसेट जो होता है वो एक्सरे फिल्म को स्क्रीन के क्लोज और यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट में रखता है इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे कैसेट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रंट साइड ऑफ दी एक्सरे कैसेट, एक्सरे कैसेट का फ्रंट साइड पढ़ेंगे। तो एक्सरे कैसेट की जो फ्रंट साइड होती है वो लो एटॉमिक नंबर का बना हुआ होता है एंड दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट एंड इट इज अप ऑफ लो एटॉमिक नंबर ये लो एटॉमिक नंबर का बना हुआ होता है रेडियोलोसेंट मटेरियल का लाइक कार्बन फाइबर और प्लास्टिक इन मटेरियल का ये बना हुआ होता है और ये जो मटेरियल होता है लाइट वेट होता है जो फ्रंट साइड होती है वो लो नंबर की इसलिए बनी हुई होती है ताकि जो एक्सरेज हैं वो इजिली क्या कर सके इस एरिया से पैनिट्रेट कर सके अगर ये साइड मीन्स की फ्रंट साइड अगर हाई एटोमिक नंबर की बनी हुई होती तो उससे क्या होता एक्सरेज पेनीट्रेट नहीं करती अगर एक्सरेज पेनिट्रेट नहीं करेंगी तो क्या होगा एक्सरे फिल्म तक नहीं पहुंचेंगी और फिर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा सो so, जो ये फ्रंट साइड होती है इट इज अप ऑफ लो एटॉमिक नंबर लाइक कार्बन फाइबर और प्लास्टिक क्यों क्योंकि एक्सरेज क्या करती हैं? इजिली पैनिट्रेट हो जाती हैं इसके थ्रू फ्रंट साइड के इनसाइड में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन माउंटेड होती है सो दिस इज द फ्रंट साइड इन साइड द फ्रंट साइड क्या होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन माउंटेड होती है तो ये फ्रंट साइड है फ्रंट साइड के इन में मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है ये हमारा फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड के इन में क्या है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन माउंटेड है और इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को बोलते हैं फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फ्रंट साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट फेसेस द एक्सरे ट्यूब जो एक्सरे कैसेट की फ्रंट साइड होती है वो एक्सरे ट्यूब की तरफ होती है जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं इसके बाद आता है बैक साइड ऑफ द कैसेट तो अभी हमने पढ़ा था फ्रंट साइड और ये क्या है बैक साइड ऑफ द कैसेट तो बैक साइड जो होता है कैसेट का इट इज अप ऑफ हाई एटॉमिक नंबर ये हाई एटॉमिक नंबर का बना होता है लाइक लेड लेड का बना हुआ होता है जो बैक साइड होता है बैक साइड में कैसेट के इन साइड में क्या होता है लेड की लेयर होती है तो ये जो है ये बैक साइड है सो दिस इज द बैक साइड ये बैक साइड है इस बैक साइड के इन साइड में एक लेयर होती है जो कि किसकी होती है लेड की बनी हुई होती है और उसका काम होता है प्रिवेंट करना पैक स्केटर रेडिएशन को फिर उसके ऊपर एक पैडिंग लेयर होती है जो कि कंप्रेसिव मटेरियल की बनी हुई होती है जैसे कि आप इसको देख सकते हैं ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है ये वाली ये क्या है पैडिंग लेयर है आप इसको देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक साइड में कैसेट की पैडिंग लेयर होती है सबसे पहले जो लेयर होती है वो लेट की लेयर होती है उसके बाद पैडिंग लेयर होती है फिर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है मैंने आपको इसमें बताया है कि ये क्या है ये बैक साइड है इसके बैक साइड में ये जो लेयर दिख रही है आपको ये पैडिंग लेयर है और इसके जस्ट पहले कौन सी होती है लेट की लेयर होती है जो कि प्रिवेंट करती है बैक स्कैटर रेडिएशन को उसके बाद ये पैडिंग लेयर आती है और ये पैडिंग लेयर क्या करती है इट मेंटेन्स द गुड कॉन्टेक्ट बिटवीन द स्क्रीन एंड फिल्म स्क्रीन और फिल्म के बिटवीन में एक क्लोज कॉन्टेक्ट एंड यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट को मेंटेन करके रखती है जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ सो दिस इज द फिल्म फिल्म को हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं क्लोज एंड यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है बिकॉज ऑफ पैडिंग लेयर पैडिंग लेयर क्या करती है मेंटेन करके रखती है गुड कॉन्टेक्ट बिटवीन द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड द फिल्म ये किसकी वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ पैडिंग लेयर की वजह से हो रहा है और ये जो पैडिंग लेयर है जो आपको दिख रही है ब्लैक कलर की दिस इज कॉल्ड द पैडिंग लेयर एंड इट इज अ कंप्रेसिव मटीरियल ये कंप्रेसिव मटीरियल होता है जो कि रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक फॉर्म का बना हुआ होता है नेक्स्ट आता है इसका कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जस्ट एबब द पैडिंग पैडिंग लेयर लेयर के लेब ही क्या होता है ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन माउंटेड होती है और ये थिक होती है एज कंपेयर टू फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन सो दिस इज द फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इसके कंपैरिजन में ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है ये क्या होती है थिक होती है और इस कैसेट का जो साइज है वो ये है एट इंटू टेन इंचज का इस पे लिखा हुआ भी है ये एट इंटू टेन इंचज की है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है और जो हमारी कैसेट होती है वह रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप में अवेलेबल होती है बट ये जो कैसेट है ये रेक्टेंगुलर शेप की है इसमें ये जो है ये लॉकिंग सिस्टम है इसके थ्रू हम एंड ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं कैसेट को और ये जो है ये हिंजे है देट्स ऑल अबाउट फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग टू गेट मोर वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल